हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के फोर्थ पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सांगू और ह्योमिन साथ में जा रहे होते हैं। ह्योमिन को पता चलता है कि सांगू ने संडे की छुट्टी ली है। वो सांगू से एक नई मूवी चलने के लिए कहती है, लेकिन सांगू कहता है कि मुझे वो मूवी पसंद नहीं है। ये सुनकर ह्योमिन सैड हो जाती है। तभी किसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। एक लड़की ओप्पा कहते हुए सांगू को हक करती है। इस लड़की का नाम यूनी है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो ह्योमिन को देखकर कहती है कि क्या ये लोमड़ी अभी भी तुम्हें फॉलो कर रही है। ह्योमिन कहती है कि ना ही मैं कोई लोमड़ी हूँ और ना ही मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। यूनी उसकी नकल उतारते हुए उसे चिढ़ाती है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। फिर वो सांगू से कहती है कि तुम आज संडे को इस लोमड़ी के साथ क्या कर रहे हो, इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम नई मूवी देखने चलते हैं। ह्योमिन कहती है कि सांगू को वो मूवी पसंद नहीं है। तुम इसकी बहन हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता है। यूनी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता है, और वैसे भी हम फ्यूचर में रिश्तेदार बनने वाले हैं। ये सुनकर ह्योमिन चौंकते हुए कहती है कि रिश्तेदार, क्या मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी, मुझे तो शर्म आ रही है। यूनी कहती है कि तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, क्योंकि मैं इससे शादी करूंगी। ह्योमिन कहती है कि तुम दोनों एक ही फैमिली के होते हुए शादी कैसे कर सकते हो। यूनी कहती है कि हम दोनों के पेरेंट्स ने तब शादी की थी जब मैं 10th क्लास में थी, तो हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, इस हिसाब से हम लीगली शादी कर सकते हैं। ह्योमिन कहती है कि ये सब तो गलत है। यूनी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी सांगू कहता है कि मुझे काम पर जाना है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों गर्ल्स पीछे से उसे बुलाती रह जाती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। इसके बाद ह्योमिन सांगू के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वो उसे देखकर सोचती है कि ये हर जगह लड़कियों को सिड्यूस करता रहता है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं फिर कोई नई लड़की इसके प्यार में न पड़ जाए, इसलिए इस पर नजर रखने के लिए मैंने इसके साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे ये पसंद तो नहीं है। तभी एक लड़की वहाँ स्टोर में आती है। सांगू उसे वेलकम करता है। इसके बाद वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। उस लड़की को उसकी स्किन के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए होता है। ये सुनकर सांगू उसे एक क्रीम सजेस्ट करता है। वो उसे उस क्रीम की सारी खूबियां बताता है। फिर वो उसे वो क्रीम लगाकर दिखाता है। वो लड़की कहती है कि तुम तो एक लड़के हो और फिर भी तुम्हें ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ पता है। सांगू उसे थैंक्स कहता है। वो लड़की सोचती है कि पहले तो मुझे ये इतना सुंदर नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे ये हैंडसम लगने लग गया है, मुझे तो जैसे इससे प्यार हो गया है। वो सांगू से उसका नंबर मांगती है। तभी साइड से ह्योमिन आकर उसे एक ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाती है। तभी उनका मैनेजर ह्योमिन को बुलाता है। ह्योमिन डरते डरते उसके पास जाती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सामान लगाने को कहा था, तो तुम सांगू के पास क्यों गई? ह्योमिन कहती है कि वो कस्टमर ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदा, तो मैं उसे साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी बेचना चाहती थी। मैनेजर पूछता है कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर दिया? वो कहती है कि मैं उसे जल्दी ही कर लूँगी। मैनेजर कहता है कि ये गलती दोबारा मत करना। ह्योमिन कहती है कि सांगू लड़कियों को सिड्यूस करने में लगा हुआ है। मैनेजर कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। ह्योमिन बात घुमाते हुए कहती है कि मैं अभी सारा काम निपटा देती हूँ। ऐसा कहकर वो काम करने चली जाती है। मैनेजर कहता है कि इसका कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी जूयून वहाँ आती है। सांगू को देखकर वो कहती है कि क्या तुम यहाँ काम करते हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। फिर वो मन में सोचती है कि मुझे तो ये पहले से पता था। सांगू पूछता है कि तुम्हें किस तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए। जूयून कहती है कि मुझे मेकअप से पहले यूज करने के लिए कुछ चाहिए। तभी ह्योमिन भागते हुए वहाँ आकर जूयून से कहती है कि रुको, मैं तुम्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। सांगू पूछता है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया। वो कहती है कि मैंने अपना काम निपटा दिया है। जूयून कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सांगू मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताए, लेकिन ह्योमिन उसे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। फिर सांगू उसे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करता है। जूयून कहती है कि मुझे सब समझ में आ गया, मुझे ये दोनों प्रोडक्ट दे दो। सांगू उसे दोनों प्रोडक्ट दे देता है। तभी पीछे से मैनेजर ह्योमिन को बुलाता है। ह्योमिन वहाँ से जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जूयून सांगू से पूछती है कि क्या तुम संडे को फ्री हो। सांगू हाँ कहता है। जूयून उसे मूवी पर चलने के लिए कहती है।
वो कहती है कि फिर हम लोग लंच भी करेंगे। सांगू कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। जूहून कहती है कि ये मेरी ट्रीट है। सांगू इस ट्रीट की वजह पूछता है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है कि मेरी लॉटरी लगी थी तो ये उसकी ट्रीट है। दूसरी तरफ मैनेजर ह्यूमिन से कहता है कि अब तुम दोबारा से सांगू के नजदीक नहीं जाओगी। अगर तुमने एक और गलती करी तो मैं तुम्हें दूसरे स्टोर में भेज दूंगा। ह्यूमिन मजबूरी में हाँ कहती है। फिर ह्यूमिन जूहून को ध्यान से देखकर कुछ याद करती है और याद आने पर वो चौंक जाती है। उसे याद आता है कि जूहून तो वही लड़की है जिसे उसने सांगू के साथ पहले भी देखा था। वो जूहून के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। जूहून कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो सांगू को कहती है कि हम संडे को मिलते हैं और ऐसा कहकर वो चली जाती है। संडे का सुनकर ह्यूमिन चिढ़ जाती है। वो सांगू की तरफ देखकर उसे चिढ़ते हुए प्लेबॉय कहती है। बेचारे सांगू को तो कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। संडे के दिन ह्यूमिन यूनी को अपने साथ लाती है। यूनी पूछती है कि क्या कोई और लड़की भी सांगू को पसंद करती है। ह्यूमिन चिढ़ते हुए हाँ कहती है। यूनी कहती है कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो। ह्यूमिन कहती है कि तुम खुद उसका फेस देख लेना, तुम्हें भी गुस्सा आएगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि जूहून सांगू से मिलने आती है। उसे देखकर यूनी चिढ़ जाती है। वो कहती है कि क्या वो लड़की पागल हो गई है, इतनी सुंदर लड़की आखिर सांगू को कैसे पसंद कर सकती है, वो सांगू के टाइप की नहीं है। ह्यूमिन कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये कोई वेब ड्रामा नहीं है। यूनी कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कहानी जैसी लग रही है। ह्यूमिन कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, जूहून सुंदर शांत और क्यूट है, मुझे लग रहा है कि वो सांगू को पसंद आ जाएगी और वो दोनों कपल बन जाएंगे। यूनी कहती है कि मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा है। वो दोनों बहुत निराश हो जाती हैं। ह्यूमिन यूनी को पकड़कर कहती है कि तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, जल्दी से कोई रास्ता निकालो, तुम तो पढ़ाई में काफी तेज हो। यूनी कहती है कि इस बात का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उन्हें रोकने जा रही हूँ। वो गॉगल पहनकर टोपी लगाती है और चली जाती है। यूनी उसे बुलाती रह जाती है। ह्यूमिन अपना फेस छुपाते हुए सांगू और जूहून के पास पहुँचती है। वो दोनों उसे पहचान नहीं पाते हैं। तभी ह्यूमिन सांगू का फोन छीन लेती है और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। उन लोगों को ऐसे भागते देखकर यूनी सोचती है कि ये तो कमाल ही हो गया। और इस तरह से सांगू और जूहून की डेट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तीनों गर्ल्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती हैं। वो तीनों सांगू के पास पहुंचती है और उससे चिपक कर चलने लगती है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।